इस वक्त हम सहरसा जंक्शन पर मौजूद है और यहाँ पर अभी सहरसा जंक्शन का निरीक्षण करने के लिए समस्तीपुर रेंज के कमांडेंट ऑफिसर अरविंद कुमार लाल सर अब यहाँ पर सहरसा जंक्शन आए हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है और सहरसा जंक्शन आया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर और क्या क्या दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं, और जो जिस तरह से दरभंगा में जिस तरह से पार्सल में बम ब्लास्ट हुई थी उसके बाद क्या कुछ पुलिस जो है वो क्या कुछ रेलवे पुलिस कर रही है। सर सहरसा आए हुए हैं आज, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये आज औचक निरीक्षण करने के लिए हम सहरसा आए हैं और यहाँ पर जो हमारे बल सदस्य हैं आरपीएफ पोस्ट में उनके द्वारा जो प्रोटेक्शन सुरक्षा देने का जो कार्य किया जा रहा है उसकी समीक्षा करेंगे और बेहतर कैसे सुरक्षा दिया जा सकता है खास करके महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, और इसके बारे में जो दिशा निर्देश है वो देंगे। साथ ही जो आने वाला थर्ड वेव है कोविड के लिए वो एक अहम चुनौती है और उस पर बल सदस्यों को ब्रीफ करेंगे, उन्हें सतर्कता बरतने का निर्देश देंगे, वो खुद कैसे सेफ रहें और कैसे दूसरों को सेफ रखेंगे उसमें सरकार के द्वारा दिया गया क्या गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है उसका पालन करने के लिए कहेंगे, और पैसेंजर्स भी जो आए हैं यहाँ पे वो संक्रमित ना हो, वो अपना एक सुखद और सेफ यात्रा करें, उसमें जितनी हम लोगों की भागीदारी है वो निभाने के लिए इन लोगों को ब्रीफ दिशा निर्देश देंगे, ब्रीफ करेंगे। सर एक सवाल और है, जिस तरह से दरभंगा में बम ब्लास्ट हुई स्टेशन पे पार्सल में उसको लेकर अब रेलवे पुलिस कितनी सतर्क हुई है और क्या कुछ कार्रवाई करेगी? दरभंगा ब्लास्ट के बाद तुरंत बाद ही हम लोगों ने अलर्ट चारों तरफ मैसेज दे दिया था अपने बल सदस्यों को, आरपीएफ को, जीआरपी को, सबको अलर्ट कर दिया गया था। लोकल पुलिस से भी बेहतर तालमेल बनाकर काम किया जा रहा है। जो चेकिंग हम लोगों की चल रही थी उसको और भी तेज़ कर दिया गया और भी सघनता से किया जाना शुरू हुआ पूरे मंडल में, जिसमें मुख्य मुख्य स्टेशन जैसे सहरसा है, दरभंगा है, समस्तीपुर है और सीतामढ़ी है, नरकटियागंज है, जो बड़े बड़े मंडल के हैं वहाँ पर खास करके ज़्यादा चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया जो अभी भी जारी है। सहरसा आज पहुँचे थे सर, निरीक्षण किए हैं, कुछ खामियां भी पाई गई है सहरसा जंक्शन को, आपको लगा है कि निरीक्षण के कुछ खामियां वगैरह सब पाई गई है? चाहिए काम ऐसे सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए हम हैं, तो हम आरपीएफ की तरफ से जो है वो जितना भी हमारा संसाधन है उसका भरपूर प्रयोग करते हुए अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। कुछ कमी तो रहती है तो उसको दूर करने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। एक सवाल और है सर, क्योंकि ट्रेनों में भी छिनतई की घटना घटती है ऐसी खबरें निकल कर सामने आती है, क्या इस ट्रेन के अंदर पुलिस की तैनाती वगैरह सब अब की जाएगी इसको लेकर? जी, हम लोग ट्रेनों में एस्कॉर्ट पड़ी लगाते हैं, उसको प्रतिदिन जब ड्यूटी में लगाते हैं तो इस संबंध में दिशा निर्देश देकर लगाते हैं, और जब वो ड्यूटी से आते हैं तो उनसे उनकी रिपोर्ट भी ली जाती है कि उनके ड्यूटी के दौरान कोई घटनाएँ तो नहीं घटी, और हम देखते हैं आरपीएफ के द्वारा जो भी ट्रेन एस्कॉर्ट किया जाता है उसमें नहीं के बराबर अपराध होता है, और ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है और हम लोग इसको सब जगह बनाए हुए हैं, आगे भी बनाए रखेंगे। इंस्पेक्टर साहब, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं आपके द्वारा? ये हमारे जो इंस्पेक्टर इंचार्ज है यहाँ के वो सभी बल सदस्यों के एकदम बिल्कुल क्लोज रहते हैं, और जो रेलवे बोर्ड का गाइडलाइंस है, हमारे डीजी साहब का गाइडलाइंस है, आईजी साहब का गाइडलाइंस है, और जो मेरा गाइडलाइंस है वो सबको पालन करने के लिए बोले हैं, ताकि सबसे पहले तो हमारे जो बल सदस्य वो सेफ रहें, वो सेफ रहेंगे तभी वो दूसरों को बेटर ड्यूटी दे सकते हैं। एक सवाल और है सर कि संख्या जो है, जो पुलिस बल की संख्या सहरसा में होनी चाहिए वो कम दिखी जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ? हाँ, ये एक पॉलिसी मैटर है, ऐसे कमी तो बनी ही हुई है और ये सारे विभागों में है, सभी जगह है, तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के बारे में हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ये संख्या बढ़े, और जो आला अधिकारी हैं उनके नॉलेज में हम लोग लाते रहते हैं कि संख्या बढ़ाया जाए, काम बढ़ रहा है, सब चीज ट्रेन बढ़ रहा है, तो इस ये संज्ञान में है, हमारे ऊपर के अधिकारी भी भरपूर कोशिश करते रहते हैं इसको कैसे बढ़ाया जाए।
तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, रेलवे पुलिस है, वो अब पूरी तरह से जो है एक्टिव हो चुकी है और जो गतिविधि है उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि कोई भी घटना जो है सहरसा जंक्शन पर ना घटे, जिसको लेकर पुलिस अब जो है पूरी तरह से सतर्क हो गई है और एक्टिव हो गई है और जगह जगह जो पुलिस की तैनाती होनी चाहिए, जिस तरह से दरभंगा में बम ब्लास्ट की घटना घटी है जिसके बाद पुलिस अब जो है पूरी तरह से तैनात हो गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना घटे, जिसको लेकर पुलिस अब हर जगह जो है अब पूरी तरह से एक्टिव और तैनात हो गई है।